अरिका नट, अरिका पाम का बीज होता है और ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इंडिया में इसको कॉमनली हम लोग बीटल नट या सुपारी के नाम से जानते हैं। देखा गया है ह्यूमन अगर इसका सेवन करता है तो ये उसके लिए कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कैंसर कॉजिंग। यानी अगर आप इसका सेवन रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं या आप एडिक्टेड हो जाते हैं या हैबिचुअल हो जाते हैं इसको चबाने के लिए, तो आपको थ्रोट या इसोफेगल या आपको मुंह का कैंसर भी हो सकता है। साथ ही साथ ये आपके ओरल कैविटी में, आपके ओरल म्यूकोसा में काफी सारे चेंजेस ले आता है, उसकी वजह से भी आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इंडिया में चार मेजर फैक्टर्स होते हैं जिन वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कहा जाता है सुपारी एक सुपारी ही तो है यार, क्या खा लो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे बड़ा जो पहला फैक्टर है वो है सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। जी हाँ, अगर हम सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें, एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं कहता हूँ यार क्या खा रहे हो यार, मीठी सुपारी खा रहे हैं। मीठी सुपारी ही नहीं है, ये भी अरिका नट है, बीटल नट है, ये आपको कैंसरस हो सकता है और लोग इसे सोशली एक्सेप्ट करते हैं, यार मीठी सुपारी ही तो खा रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। तो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी सबसे बड़ा कारण है, पहला कारण है जो हमारे देश में इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है। अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करें तो वह है रिलीजियस बिलीव्स। जी हाँ, बहुत लोग रिलीजियसली बिलीव करते हैं, कहते हैं कि सुपारी जो है वो भगवान को चढ़ती है और उसका सेवन कर रहे हैं तो ये कोई बहुत गलत चीज नहीं है। तो ये भी एक मिथ है, सुपारी आपके शरीर के लिए हार्मफुल है। मैंने जैसा बताया ये कैंसर कॉजिंग होती है और आपको इसको खाने से कैंसर हो सकता है। नंबर थ्री, परसीव्ड हेल्थ बेनिफिट्स। जी हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि इसको खाने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाती है, हमारा ब्रेन शार्प हो जाता है, हमारा दिमाग तेज चलने लग जाता है। तो ये सारे भी मिथ्स हैं, ये सब गलत हेल्थ बिलीव्स हैं। इस नट को खाने से ये सारी चीजें नहीं होती हैं। नंबर फोर, एडिक्शन। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में अरिका नट का सेवन कर रहे हैं या सुपारी का सेवन कर रहे हैं तो आपको इसकी एडिक्शन हो जाती है, आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आप इसे चबाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया एरिकोलाइन होता है जो निकोटीन की तरह होता है और ये साइको एक्टिव एजेंट होता है। तो ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और आपको इसकी आदत पड़ जाती है, इसीलिए आप इसको रोजमर्रा की जिंदगी में चबाना शुरू कर देते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ अरिका नट ऑन योर ओवरऑल हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ की अगर हम बात करें, जिन लोगों को हैबिट हो जाती है अरिका नट को चबाने की, उन लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स ऑल्टर होने शुरू हो जाते हैं और उनको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखा गया है कि ये आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं इसका सेवन करने से, साथ ही साथ जो लोग बहुत ज़्यादा सेवन करने लग जाते हैं उनको किडनी डिजीज या किडनी डिसऑर्डर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ देखा गया है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन पान या अरिका नट का सेवन करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तो उनके बेबी को भी इफेक्ट हो सकता है, नवजात शिशु को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एंड डिलीवरी के टाइम पे भी उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं बच्चा पैदा करते समय। नंबर वन, बीटल स्टेनिंग। बीटल स्टेनिंग यानी जब आप बीटल नट चबाते हैं, सुपारी चबाते हैं, तो आपके मुंह में एक रिएक्शन होता है और आपका जो सलाइवा है वो लाल रंग होने लग जाता है और वो लाल थूक जो है आपके मुंह में वो आपके दांतों को भी लाल कर देता है, तो उसे बीटल स्टेनिंग कहते हैं। तो आप इससे बच सकते हैं अगर आप बीटल नट्स का सेवन ना करें तो। नंबर टू, एक्सेसिव टूथ एब्रेशन या फ्रैक्चर्ड टीथ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्या बोल दिया, इसका मतलब ये है कि जब आप बीटल नट का सेवन करते हैं ये बहुत ज़्यादा फाइब्रस होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में इसका सेवन कर रहे हैं, इसको चबाते हैं, तो आपके दांतों में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और आपकी जो रूट्स हैं दांतों की वो कमज़ोर हो सकती हैं। तो इसका सेवन कम करेंगे और ना करेंगे तो आप टूथ फ्रैक्चर से भी बच सकते हैं। नंबर थ्री, सेंसिटिविटी। जी हाँ, अगर आप रोज इसका सेवन कर रहे हैं तो ये आपके दांतों को सेंसिटिव कर सकता है, क्योंकि क्या होता है बीटल नट चबाने से आपकी जो इनामल है वो कमज़ोर हो जाती है, वो घिस जाती है और आपकी जो डेंटीन है, जो आपकी कैविटी है, वो एक्सपोज होने शुरू हो जाती है, उस वजह से आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अरिका नट, बीटल नट, सुपारी, आप जिस भी नाम से इस पदार्थ को जानते हैं वो कैंसरस होता है आपकी बॉडी के लिए, तो आज ही इसका सेवन करना बंद कर दीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।